दोस्तों सांस रोक देने वाले मुकाबले में आखिरी ओवर की आखिरी गेंद पर हारा हुआ मैच धोनी ने ऐसे पलटा जीत में। चेन्नई की जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में हुआ बड़ा उलट फेर। तो ऐसे में क्या कुछ है पूरी खबर की जानकारी बताएंगे आपको इस खास रिपोर्ट में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चेन्नई सुपर किंग टीम के फैन तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज आईपीएल 2022 का एक और रोमांचक मुकाबला खेला गया। यह मुकाबला चेन्नई सुपर किंग और मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया। इस मुकाबले में दोस्तों चेन्नई की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, तो वहीं मुंबई की टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी। और ऐसे में ओपनिंग जोड़ी कप्तान रोहित शर्मा और ईशान किशन बल्लेबाजी करने आए, तो वहीं रोहित शर्मा दो गेंद खेलकर पवेलियन चलते बने, तो वहीं ईशान किशन पहली ही गेंद पर आउट होकर पवेलियन चलते बने। और ऐसे में दोस्तों सूर्य कुमार यादव ने 32 रनों की पारी खेली, तो तिलक वर्मा ने भी 51 रनों की शानदार पारी खेली। और ऐसे में मुंबई की टीम ने 20 ओवर में 155 रन 7 विकेट के नुकसान पर बनाए, तो वहीं चेन्नई की टीम फिर बल्लेबाजी करने उतरी। और ऐसे में दोस्तों रॉबिन उथप्पा ने 30 रनों की शानदार पारी खेली, तो अंबाती रायडू ने भी 40 रनों की बेहतरीन पारी खेली। और ऐसे में दोस्तों एक समय में ऐसा लग रहा था कि चेन्नई की टीम यह मुकाबला हार जाएगी, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने 13 गेंदों पर 28 रनों की शानदार पारी खेलकर यह मुकाबला अपने नाम कर लिया। और ऐसे में चेन्नई की टीम यह मुकाबला जीत गई। चेन्नई की जीतते ही पॉइंट्स टेबल में बड़ा बदलाव हो चुका है। तो आइए जानते हैं आखिरकार कौन सी टीम किस नंबर पर आ गई है। तो नंबर 10 पर दोस्तों मुंबई की टीम है, जिसने हमने 7 मुकाबले खेले, 7 मुकाबले हारे, पॉइंट्स टेबल में 0 अंक है। तो नंबर 9 पर दोस्तों सीएसके की टीम है, जिसने हमने 7 मुकाबले खेले, 2 मुकाबले जीते और पॉइंट्स टेबल में 4 अंक है। तो नंबर 8 पर पंजाब की टीम है, जिसने हमने 7 मुकाबले खेले, 3 मुकाबले जीते, पॉइंट्स टेबल में 6 अंक है। तो नंबर 7 पर दोस्तों केकेआर की टीम है, जिसने हमने 7 मुकाबले खेले, 3 मुकाबले जीते और पॉइंट्स टेबल में 6 अंक है। तो नंबर 6 पर दिल्ली की टीम है, जिसने 6 मुकाबले खेले, 3 मुकाबले जीते और पॉइंट्स टेबल में 6 अंक है। तो नंबर 5 पर दोस्तों सनराइजर्स हैदराबाद की टीम है, जिसने 6 मुकाबले खेले, 4 मुकाबले जीते और पॉइंट्स टेबल में 8 अंक है। तो नंबर 4 पर लखनऊ की टीम है, जिसने 7 मुकाबले खेले, 4 मुकाबले जीते और पॉइंट्स टेबल में 8 अंक है। तो नंबर 3 पर राजस्थान रॉयल की टीम है, जिसने 6 मुकाबले खेले, 4 मुकाबले जीते और पॉइंट्स टेबल में 8 अंक है। तो नंबर 2 पर दोस्तों आरसीबी की टीम है, जिसने 7 मुकाबले खेले, 5 मुकाबले जीते और पॉइंट्स टेबल में 10 अंक है। तो नंबर 1 पर दोस्तों गुजरात की टीम है, जिसने 6 मुकाबले खेले, 5 मुकाबले जीते और पॉइंट्स टेबल में 10 अंक है। तो दोस्तों आपके हिसाब से आईपीएल 2022 का खिताब कौन जीतेगा और आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए आपका